आज बनाएंगे हम वेज सोया कबाब। ये जो कबाब हैं वो हम तवे पर बनाएंगे। आप इन्हें कढ़ाई में डीप फ्राई करके बना सकते हैं, तंदूर में बना सकते हैं, या फिर ग्रिल पैन के अंदर भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से कुरकुरा है, मतलब क्रिस्पी है। और एक धुएं वाला फ्लेवर देंगे हम इसके अंदर, जिससे वो स्मोकी फ्लेवर आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना वेज सोया कबाब, यानी कि सोयाबीन के कबाब, आसानी से घर पर। सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रख दिया जिसके अंदर पानी उबल रहा है। इसमें हम डालेंगे ये सोया चंक्स, यानी कि सोयाबीन की बड़ी, 1 कप है। पहले मैंने पानी से साफ़ करके ली हैं जो कि डाल दी हैं, और गैस की स्पीड मीडियम रखेंगे और एक उबाल ले लेंगे इसके अंदर। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच, और ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 2-3 मिनट तक पकाइए। मतलब सोयाबीन की जो बड़ी है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। और गैस बंद कर दीजिए। तो गैस हमने बंद कर दी है और इसे हम छान लेंगे। इसका जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा, और जो सोयाबीन की बड़ी है इस पर हम ताज़ा पानी डाल देते हैं ऊपर से, जिससे ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि हम इन्हें स्क्वीज करेंगे बाद में। और ये देखिए, मैंने ठंडा कर लिया है। एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम इसे डाल देते हैं। तो ये देखिए, सोयाबीन की बड़ी बड़ी 1 कप थी, फूल करके ऐसी डबल हो गई। और अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। देखिए कितना सारा पानी है। तो एक साथ ऐसे पकड़िए और इसे दबाइए, स्क्वीज कीजिए, जिससे इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाएगा। और मिक्सर का जार लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, इसमें हम डाल देंगे। आप एक साथ ना करके थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, जिससे आसानी से पिस जाएगा। अभी तो मैं एक साथ डाल रहा हूँ सारा। और इसमें हम डाल देंगे कुछ धनिया, पुदीना। तो थोड़ा सा धनिया है मेरे पास, पुदीने के पत्ते हैं, हरी मिर्ची और अदरक है, 1/2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्ची और पुदीने के पत्ते 8-10, और धनिया हैंडफुल, मतलब जितना थोड़ा सा हाथ में आ गया उतना। और ये मेरे पास मसाले, नमक, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, किचन किंग मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। ये सारे मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर। आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप। और चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप काला नमक और आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इसे हम पीस लेंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए, मैंने पीस लिया है और हल्का सा दरदरा है, एकदम बारीक तो नहीं पिसा, हल्का दरदरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ मैंने ये 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। आवश्यकता पड़े तो आप बेसन और डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है बाइंडिंग पर, कि बाइंड हो रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बाइंड करके देखेंगे कि ये तैयार है कि नहीं कबाब बनाने के लिए। ये देखिए, मैं बाइंड करके देख रहा हूँ, आसानी से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये तैयार है। आप इसके अंदर गाजर डाल सकते हैं कद्दूकस करके, बारीक कटी हुई प्याज डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। अभी देखिए, बीच में मैंने जगह बना दी है क्योंकि हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। एक कटोरी रख दी है छोटी सी मैंने, और इसके अंदर हम एक कोयला रखेंगे गरम गरम। तो पहले कोयला को गरम कर लेते हैं। तो गैस ऑन कर दी है और एक कोयले का टुकड़ा मैंने रख दिया है गैस पर, और इसको हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो गैस मैंने बंद कर दी है, कोयले का टुकड़ा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, लाल हो गया है, आप देख सकते हैं। कटोरी के बीच में रख देंगे और इस पर हम डालेंगे देसी घी, 1 छोटा चम्मच या 1/2 छोटा चम्मच, और ढक्कन बंद कर देंगे, धुआं निकलने लगेगा। ये देखिए, ये जो स्मोक फ्लेवर है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा पूरा। ढक्कन हटाकर देखते हैं, लगभग 3-4 मिनट बाद इसे हम अलग कर देते हैं कटोरी को, और ये जो हमारा मिश्रण है इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद ये तैयार है वेज सीख कबाब बनाने के लिए। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है, क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ेगी टूथपिक की, तो आप ऐसे ही गोल गोल टिक्की जैसे बना सकते हैं कबाब। ये देखिए, मैंने ऐसे थोड़ा सा बाइंड किया और एक टूथपिक लगा दी, बड़ी वाली टूथपिक है मेरे पास। और अपने हाथों को हल्का सा पानी से गीला कर लीजिए, जिससे इसको फैलाने में आसानी होगी, एक शेप देने में कबाब की। देखिए, तो ये देखिए आराम से टूथपिक में लग गया। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर उसे निकाल कर डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है, मेरे पास टूथपिक हैं तो मैंने ऐसे ही तैयार कर लेता हूँ। हल्का सा गीला किया हाथ, और बाइंड करने के बाद टूथपिक पर लगाएंगे। ये देखिए, मैं छोटी वाली टूथपिक पर लगा के दिखा रहा हूँ एक आपको। ये देखिए, जो छोटी वाली टूथपिक आसानी से आपको मिल जाएगी। और तवा है, तवे पर हम देसी घी डालेंगे या फिर रिफाइंड तेल। तो पहले देखिए, हमारे सारे तैयार हैं, कुछ छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं। और ये ना हो तो आप गोल गोल टिक्की जैसे बना लीजिए कबाब।
देसी घी डाल दिया है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से डाल रहा हूँ क्योंकि जो तवा है मेरा वो साइड में घी जा रहा है, और ऐसे रख देंगे और अच्छी तरीके से शैलो फ्राई कर लेंगे। आप कढ़ाई में तेल डालकर या घी डालकर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और पलट पलट कर अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। स्पून से पलटिएगा अगर आप तवे पर कर रहे हैं तो, क्योंकि ये गर्म हो गया है काफ़ी जो घी है हमारा। और ये देखिए ये तैयार है, बस इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये देखिए आप, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो मैंने छोटे वाले भी बड़े वाले भी सारे तैयार कर लिए हैं, अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तब इसे बाहर निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर दी है मैंने। आप इसे हरी चटनी के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, प्याज के लच्छे रख सकते हैं चटनी के साथ। और ये देखिए ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है। मैंने यहाँ पर प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया है, आप कर सकते हैं। हल्का सा नींबू हम इसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे, निचोड़ देंगे, कुछ नींबू की बूंदें, नींबू के जूस की बूंदें ड्रॉप। तो ये देखिए तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पास से देखिए आप कितने परफेक्ट बने हैं हमारे वेज सोया कबाब। तोड़ कर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो बनाइए आप वेज सोया कबाब, और कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लगी है तो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइएगा। अभी आप ये और देखिए एक और जो बड़ा वाला हमारा सोया कबाब है, अंदर से देखिए कितना परफेक्ट बना है। आप चाहें तो बिना टूथपिक के भी इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टूथपिक लगाना।